अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल चाल है आप सबके। तो हम गांव से निकले फैसलाबाद के लिए। पहले हम कराची से निकले थे सादकाबाद के लिए, जहां मेरा ससुराल रहता है, और फिर हम वहां सादकाबाद से निकले हैं फैसलाबाद के लिए। और फैसलाबाद से पहले मुल्तान आया था, वहां पे हमने स्टे किया। एक रेस्टोरेंट है वसीब, जो कि बहुत ज़बरदस्त किस्म का रेस्टोरेंट है। वहाँ पर हम लोगों ने जी खाने के लिए बैठ गए, क्योंकि भूख लग रही थी। इतनी भूख भी नहीं लग रही थी, लेकिन बच्चे ज़िद कर रहे थे कि हमें चीज़ लेके दें, चीज़ लेके दें। तो यहाँ का जो रेस्टोरेंट है ना, ये वाला वसीब, ये बेस्ट है, और इनकी सर्विस, इनका खाना सब बहुत अच्छा है। तो हम बैठ गए थे खाने के लिए, बच्चों को चीज़ लेके देते देते, तो सोचा कुछ खा ही लिया जाए। तो जब तक खाना ऑर्डर किया था, जब तक जो था, मैंने सोचा आप लोगों के साथ जो है वो रेस्टोरेंट जो है वो शेयर कर दूं। बाहर से अंदर से बहुत अच्छा, लेकिन मैंने शायद अंदर से जो है वो नहीं बनाई, बिकॉज़ फैमिलीज बैठी होती हैं। तो मैंने नहीं बनाई है, मैं आगे चल के आपको दिखाती हूँ। तो बाहर इनका बहुत अच्छा सेटअप है, और बहुत मज़े का ये वाला जो है ना रेस्टोरेंट है वसीब। तो मुल्तान से कौन कौन है और कौन कौन इस रेस्टोरेंट पे जाता है, ज़रा कमेंट बॉक्स में बताया। मैं ज़रा फ्रेश हो गई जब तक ऑर्डर किया था। तो यहाँ पे हमने जी कढ़ाही ऑर्डर की, क्योंकि सबसे जल्दी चिकन कढ़ाही बन जाती है, और इनकी कढ़ाही वाकई में बहुत मज़े की थी। मखनी कढ़ाही थी इनकी, और इनका ये जो पैन था ना, ये मुझे सबसे डिफरेंट लगा, मतलब डिफरेंट था थोड़ा, और कढ़ाही भी मज़े की थी। तो साथ में मुझे तंदूर की रोटी जो हो तो बहुत मज़े की लगती है, और वो चक्की के आटे की हो तो। तो खैर हम सब ने खाना खाया, लेकिन बच्चों को जो था ना वो खाने से ज़्यादा था झूलों का, कि हम झूलों पे जाएं और बाहर जाके जो है वो चिप्से वगैरह लें। तो बच्चों ने भी खाया, लेकिन मुझे और रुस्तम को ज़्यादा मज़ा आया। खाना वाना खा के बच्चों ने ज़रा झूलों वूलों पे गए, और इनको जो जो इन्होंने खाने के लिए लेना था वो ले लिया। आगे कोई 3 घंटे का रास्ता बचा था मुल्तान से फैसलाबाद का, तो इन्होंने सोचा कि हमें लेके दें, और हम रास्ते में बच्चे भूख को होता है कि हम खाते जाएं। तो बाहर का माहौल बहुत मज़े का था। वैसे दिल कर रहा था कि बाहर बैठ के भी चाय का कप पिया जाए, लेकिन मैं थर्मोस चाय का भरवा के गाड़ी में रख चुकी थी, जो कि बहुत मज़े की थी, तो उसको ज़ाया नहीं करना था। इसलिए बस जो है वो बच्चे फिर से झूलों पर जा रहे थे, और हम जो है वो थोड़ा सा वॉक कर रहे थे, क्योंकि बंदा गाड़ी में जब सफ़र करता है तो टांगें थक जाती हैं। और हमने माशाल्लाह कोई अब तक 12-15 घंटे का सफ़र जो है बाय रोड कर चुके थे हम लोग। तो अभी हम लोग जा रहे थे जी जो शॉप थी वहाँ पे, और बच्चों को सोचा कि चीज़ें वगैरह ले दें। और फिर बच्चों को जो है वो चीज़ें ली, कुछ मुझे भी पसंद आया, मैंने भी ले लिया, और फिर बच्चों ने थोड़ा सा पार्क में खेल के इंजॉय किया, और फिर हम यहाँ से अब निकल जाएंगे।
अच्छा अबे यहाँ पे अच्छा आ जाए ना। हाँ जी आ जाएंगे, चले आपके भी बना डालते थे।